गुड आफ्टरनून चर्च सुप्रभात कलीसिया इट्स गुड टू सी यू एवरीवन ओवर हियर बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी को यहाँ पर वी आर रियली क्राउडेड और आज हम ज्यादा ah. संख्या में इकट्ठा हुए हैं टू द रियली आई मीन बिफोर आई कुड प्रिपेयर दिस मैसेज माय माय हेल्थ वाज नॉट गुड ये संदेश मैं <coughs> uh, तैयारी कर रहा था उसकी <coughs> उससे uh, उस दौरान मेरा स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं था

I don't know what to do when I got up in the morning. मैं सुबह उठा तो मुझे पता नहीं क्या करना है मुझे। But Franco and Patricia I really love them what they do. और लेकिन Franco है और Patricia है मैं बहुत प्रेम करता हूँ वो जो हमेशा करते हैं उसके uh, लिए। Saying Sunny, I'm praying for you. वो एक बात हमेशा कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रही हूँ कर and रहा हूं। I pray that the spirit of God anoint you. और प्रार्थना ऐसी है कि परमेश्वर की आत्मा तुम्हें अभिषेक दे।

so today's my sharing is from matthew chapter 14 verse 22 to 33 everyone i think uh, this is very familiar story to everyone even the unbelievers knows the story about jesus walks on the water और एक अविश्वासी भी वह कहानी को जानता है जहाँ पर यीशु मसीह पानी के ऊपर चलता है वाटर। uh, 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 बड़े-बड़े ऐसे जादुगर भी Chris मुझे पता है, जो Chris. पानी पर चलने की उन्होंने कोशिश की बट दो <laughs> लेकिन बस वो करते हैं मैं आपको बता दू रियल

now this miracle story of jesus walking on water is recorded in three gospels it's significant to note that matthew mark and john three of jesus' disciples who recount the story खास है ये जानना कि मत्ती, और यहुन्ना जो यीशु मसीह के तीन चेले हैं उन्होंने ये कहानी को दोहराया दिस मॉर्निंग प्लीज नोट और दोस्तों ये बात पर आज दोस्तों आज ध्यान देना जो मैं बता रहा हूँ लूक वॉज नॉट अल ऑफ जीजस ड्यूरिंग अर्थली मिनिस्ट्री और लूक लूका जो था था वो यीशु मसीह का चेला नहीं जब वह उसकी दुनिया की सेविकाएं वो करता था एंडस वॉकिंग ऑन वॉटर और उसके सुसमाचार में ये बात शामिल नहीं है कि यीशु मसीह पानी पर चले दिस मीन्स स्टोरी ऑफ जीजस वॉकिंग ऑन वॉटर इज रिकॉर्डेड इन थ्री रिपोर्ट ऑफ आई विटनेसेस इसका मतलब है ये जो कहानी है कि यीशु मसीह पानी पर चले वो तीन ऐसे विवरणों में लिखे हैं जहाँ पर वो गवाह थे उन्होंने आंखों से वो बात होते हुए देखी थी विच ऑथेंटिकेट्स इट्स वैरासिटी और ये उस बात की पुष्टि करता है प्लीज ओपन योर बाइबल विथ मी लेट्स रीड मैथ्यू चैप्टर फोर्टीन टू टू थर्टी थ्री आइए मेरे साथ अपनी बाइबल को आप खोलिए और हम मत्ती के किताब चौदावे अध्याय वचन बाईस से तैतीस पढ़ेंगे जीजस वॉक्स ऑन द वर्स 22 ऑनवर्ड्स इमिजिएटली जीजस मेड द डिसाइपल गेट इन टू द बोट एंड गो ऑन ऑफ हिम टू द दस वी डिसमिस क्राउड आफ्टर ही डिसमिस दैम ही वेंट अप ऑन ऑन अटन साइड बाई हिम टू प्रे later that night he was there alone and the boat was already a considerable distance from land buffeted by the waves because the wind was against it. verse twenty five shortly before dawn jesus went out to them walking on the lake when the disciples saw him walking on the lake they were terrified it's ghost they said and cried out in fear. Verse 28. Lord. 27. No, verse 27. But Jesus immediately said to them, Take courage. It is I. Don't be afraid. The Lord, if it is you, Peter replied, Tell me to come to you on water. Verse 29. Come, he said. Then Peter got down out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. But when he saw the wind, he was afraid and beginning to sink cried out lord save me and verse thirty one immediately jesus reached out to his hand and caught him you of little faith he said why did you doubt verse thirty two and when they climbed into the boat the wind died down. this those then those who were in the boat worshipped him saying truly you are the son of god amen. तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले चार, कि वे उससे पहले चले जाए। जब तक वह लोगों को विदा करे वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहां अकेला था उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया वचन 26। चेले उससे झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे यह भूत है और डर के मारे चिल्लाने लगे तब यीशु ने तुरंत उससे बात उनसे बातें की और कहा धाड़स बांधो मैं हूँ डरो मत पतरस ने उसको उत्तर दिया हे hey प्रभु यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे उनतीसवा वचन उसने कहा आ, अब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा हे hey प्रभु मुझे बचा यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा हे अल्पविश्वासी तूने क्यों संदेह किया जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है इससे पहले हम वचन में आगे बढ़े हम प्रार्थना करेंगे आइए हम सर झुकाएं।

in every sentence in every word that i speak lord you reveal yourself jesus and lord as i preach your word lord you bring great revelations to many today so that everyone know who you are jesus

और ये दूसरी ऐसी आंधी है जो बाइबल में बताई गई है यीशु मसीह को लेकर और उसके चेलों को लेकर द फर्स्ट इंसिडेंट वॉज इन मैथ्यू चैप्टर एट वॉज ट्वेंटी थ्री और पहली ये घटना हुई थी मत्ती के तेवीसवे आठवें अध्याय वचन तेवीस से आगे हम देखते हैं When Jesus was asleep in the boat and the disciple woke him up saying Lord save us we are going to drown जब यीशु मसीह नाव में सो रहे थे और चेलों ने उन्हें जगाया और कहा परमेश्वर हमें बचा लो क्योंकि हम डूबने वाले हैं एटलीस्ट जीजस वॉज स्ट्रोम। यहाँ पर यीशु मसीह उस आंधी में मौजूद थे बट दिस टाइम, ही नो वे टू बी फाउंड लेकिन अब की बार वह कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं जीजस वॉज नॉट प्रेजेंट विद इस बार यीशु मसीह नाव में उनके साथ शामिल नहीं है थ्री आउट ऑफ फोर ऑफ द गॉस्पल अकाउंट इन मैथ्यू चैप्टर फोर्टीन ट्वेंटी टू टू थर्टी थ्री मार्क्स चैप्टर सिक्स फोर्टी फाइव टू फिफ्टी टू एंड जॉन चैप्टर सिक्स सिक्सटीन टू ट्वेंटी वन ऑल्सो टेल दिस स्टोरी और मत्ती के चौदहवें अध्याय वचन बाईस से तैतीस में मरकुस के छठे अध्याय वचन पैंतालीस से बावन में और यमुना के छठे अध्याय वचन सोलह से इक्कीस में ये कहानी बोली गई है बट मैथ्यू लेकिन मत्ती इज द ओनली वन टू इंक्लूड्स द स्टोरी ऑफ पीटर टू वॉक ऑन द वॉटर लेकिन मत्ती ऐसा ही एक है जो पतरस की कहानी के बारे में बताता है जो पतरस पानी पर चलने की कोशिश करता है चाहे कहानी हमारे लिए जानी-मानी क्यों हो, लेकिन इसमें ऐसे सामर्थशाली सीख हम सीख सकते हैं जो हमें बढ़ने में मदद करेगी द बाइबल टेल्स अकाउंट फेड 5000 विद फाइव टू फिशेस और शास्त्र कहता है यह घटना तब हुई तुरंत जब यीशु मसीह ने पांच हजारों को खिलाया केवल पांच रोटी और दो मछलियों के द्वारा एंड वर्स 22 सेज इमीडिएटली जीसस मेड द डिसिपल गेट इनटू द बोट एंड गो ऑन हेड ऑफ हिम टू द अदर साइड व्हाइल ही डिसमिस द क्राउड और वचन 22 में लिखा है तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाए

और ये जो अध्याय है मरकूस की किताब में और मत्ती के किताब में वो उसे स्पष्ट कर देता है दे आर इन बिकॉज सेंड देम इट वे आंधी में है क्योंकि यीशु मसीह ने जान मुझ उन्हें वहां भेजा द डिसाइपल वॉन्टेड टू स्टे वे द ग्रेट मेरा ऑफ द लोव And the और जब बड़ा चमत्कार हुआ उस मछलियों को लेकर और रोटियों को लेकर तब जो चेले थे वही पर रुक जाना चाहते थे अभी वो उस चमत्कार के भाग थे और अभी यीशु मसीह उन्हें जाने के लिए कह रहा है चेले अपने आप में खड़े हो जाएं।

एट द टाइम ऐट द सेम टाइम ही इज डिलीवरिंग अस फ्राम टेमटेशन और मेरा मुद्दा बताने का ये है कि परमेश्वर कभी कभी हमें आंधी को या ऐसी परखने की आंधी के, आंधी के लिए आंधी के बीचों बीच भेज देगा और उसी समय वह हमें उस लालच की या लुभावने वाली चीज़ों की आंधी से छुड़ाता भी है

कि हम परमेश्वर की इच्छा में हो भले हम आंधी में क्यों नहीं है गॉड्स विल इज द सेफेस्ट प्लेस टू बी और परमेश्वर की इच्छा ही वो सुरक्षित स्थान है हमारे लिए यू सी गॉड इज मोर कंसर्न विद आर स्पिरिचुअल ग्रोथ देन आर पर्सनल कंफर्ट और हमारा व्यक्तिगत आराम से ज्यादा परमेश्वर हमारे

और मरकुस के छठे अध्याय वचन 46 में लिखा है कि उन्हें विदा करके वह पहाड़ पर गया ताकि वह प्रार्थना कर सके जीसस गोस टू द माउंटेन टू प्रे और यीशु मसीह पहाड़ पर जाता है ताकि वो प्रार्थना करे अकॉर्डिंग टू मैथ्यू एंड मार्क एंड द डिसिपल टू द सी और मत्ती और मरकुस और चेलों के अनुसार

The boat was in the middle of the lake and he was alone on land. Verse 48. He saw the disciples straining at the oar because the wind was against them. Shortly before dawn, he went out to them walking on the lake. He was about to pass by them. And Markus <laughs> उन्होंने विदा करके प्रार्थना करने के लिए वह पहाड़ पर चला गया और जब शाम हुई तो नाव झील के बीचों बीच थी और वह अकेला धरती पर था उसने देखा कि उन्हें नाव खेना भारी पड़ रहा था क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी लगभग रात के चौथे पहर वह झील पर चलते हुए उनके पास आया वह उनके पास से निकलने को ही था The gospel of marks says that the jesus could see them toiling and rowing और मरकुस की किताब में लिखा है कि यीशु मसीह देख रहा था कि वो व्यर्थ में मेहनत कर रहे हैं He is on this mountain overlooking the sea of galilee और वो उस पहाड़ पर है और वह गलील के उस समुद्र को देख सकता है and he can see the storm and the disciple in it और वह आंधी को और चेले जो आंधी में फंसे हैं उन्हें भी देख सकता है बट डिसिपल कांट सी हिम लेकिन चेले उन्हें नहीं देख सकते हैं बट ही कैन सी देम लेकिन वो उन्हें देख सकता है एंड बाइबल सेज जीसस मेक इंटरसेशन फॉर अस और शास्त्र कहता है कि यीशु मसीह हमारे लिए मध्यस्थी की प्रार्थना करता है ही इजंट सरप्राइज बाय व्हाट कम्स अपॉन अस और हमारे ऊपर जो बीतती है उसे देखकर यीशु मसीह आश्चर्यचकित नहीं होता है

कि मैं कुछ तो महान करना चाहता हूँ लाइक पीटर इन बाइबल जैसे पत्रस है शास्त्र में Big वैसे ही समझो <laughs> बड़ा मुंह है फट से बोलने वाला व्यक्ति सो गॉड गिव मी अपॉर्चुनिटी बिकॉज ही सो माय डिजायर लेकिन प्रभु ने मुझे, मुझे मौका दिया जब मैं वहां गया क्योंकि प्रभु जानता था कि मेरी इच्छा क्या है आई सॉ अ मैन हु इज लाइंग ऑन द बेड फ्रॉम फ्रॉम पास्ट 4 मंथ और मैंने देखा एक व्यक्ति बिस्तर पे है 4 महीने से बिस्तर पर पड़ा है वो

एक्स्ट्रॉर्डनरी परमेश्वर ने मुझे कुछ महान परिस मैन वॉज हिल ने चंगाई पा ली उसी वक्त सो मच हैप्पी गेरिंग अप्रॉम द बेड फ्रॉम पास फोर मंथ और इतना खुश था वो व्यक्ति जो चार महीने से बिस्तर पर था कभी उठा नहीं वो उठ गया उस समय God really stirred up my faith और परमेश्वर ने मेरे विश्वास को उस समय जग जागृत कर दिया And even today when i got up जब मैं उठा i was not that good <laughs> मेरी तबीयत उतनी अच्छी नहीं थी my thi. health was like tossed और जैसे मेरा स्वास्थ्य डगमगा uh, गया था ऐसा हुआ uh, but really there is a encouragement you know the small word

वी द मोस्ट इट इज अंडर हिज कंट्रोल जिस बात से आप सबसे ज्यादा घबराते हैं वो के नियंत्रण में है मत्ती के 14वें अध्याय वही अध्याय से बांट रहा हूँ पच्चीस शॉर्टली बिफोर डॉन जीजस वेंट आउट टू देम वॉकिंग ऑन द लेक वर्स ट्वेंटी सिक्स

लेक और क्योंकि नाव तो चेलो ने ले ली थी तो यीशु मसीह के पास एक ही तरीका था उन तक पहुंचने का। जीजस एक्चुअली वॉक आउट टू देम ऑन द दॉटर और यीशु मसीह ने जो तरीका अपनाया वो ये था कि यीशु मसीह दरअसल पानी पर चलकर उनके पास पहुंचे पॉइंट टू बी नोट हो भैया और मुद्दा जिस पर ध्यान देना है हमें यहाँ पर ये है के पानी ने यीशु मसीह के साथ <laughs> अलग व्यवहार किया और चेलों के साथ अलग व्यवहार किया। दिसाइपल्स वर स्ट्रगलिंग जस्ट रोव अक्रॉस द लेक और चेले संघर्ष कर रहे थे बस वहां से पार होने के लिए बट जीजस वॉकड ऑन टॉप ऑफ द लेकिन यीशु मसीह तो उन लहरों के ऊपर चला आई एम जस्ट सिंपल इनफ टू बिलीव दैट जीसस वॉकड ऑन वाटर और बस यह साधारण है कि मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह पानी पर चला एंड आई बिलीव दैट एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इन दैट सी हेल्ड हैंड्स टू टू अपहोल्ड द लवली सन ऑफ गॉड और मेरा ये विश्वास है कि समुद्र के हर एक बूंद ने अपने हाथों को उठाए रखा ताकि परमेश्वर को के पुत्र को वो पकड़ के रखे थामे रखे हु क्रिएटेड देम और क्योंकि वही तो था जिन्होंने उन्हें बनाया था आई बिलीव दैट द ग्रेविटी इट्सल टू जीजस एंड दिस ग्रेट मिराकल वो स्मॉल थिंग टू हिम और मेरा विश्वास है कि नैसर्ग जो है वो येशु को जवाब देती है और ये बड़ा चमत्कार था लेकिन तब भी यीशु मसीह के लिए तो ये एक छोटी सी बात ही होगी ऑन अफ्रेड दैट क्राई आउट इन घोस्ट और दूसरी तरफ हम देखे तो चेले इतना घबरा गए कि वो डर के मारे चिल्लाने लगे और कहने लगे ये भूत है

It was the show, it just, it just they want to show that what they feared the most was under his control. The waves that, that were over their head were under his feet. और वे जो चेलों के 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 सर ऊपर थी, दरअसल वो यीशु मसीह के कदमों के नीचे फाइनेंशियल इशू फैमिली इशू हेल्थ इशू इमोशनल और फिजिकल रिमेम्बर चीजस इज ऑन टॉप ऑफ इट खाल और जीवन में आप चाहे कोई भी स्थिति से गुजरते हो चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो या आर्थिक स्थिति हो या भावनाओं की स्थिति हो या पारिवारिक स्थिति हो याद रखना यीशु मसीह उसके ऊपर है हालेलुया लुया इज इट इज इट इट्स थ्रू क्या ये सच्चाई नहीं है जीसस इज टॉप ऑफ इट हाँ Over ये everything. सच है हर एक स्थिति के ऊपर यीशु मसीह है आई रिमेम्बर द वे द गॉड टीच मी थ्रू माई लाइफ और मुझे याद आ रहा है कैसे परमेश्वर ने मेरे जीवन के द्वारा मुझे सिखाया है। I was just 34 and I had cholesterol issue. 24 <laughs> वर्ष का था मैं और मुझे कोलेस्ट्रॉल की बीमारी हुई थी एंड डॉक्टर एट टू से वॉट इज वॉट इज योर प्रॉब्लम और डॉक्टर <laughs> बोलने लगे कि तुम्हारी क्या परेशानी है ये कैसे हुआ सो मच स्ट्रेस और इतना तुम संघर्ष कर रहे oh. हो बट आई नो दाउ दिसम केम ऑल ऑफ सडन इन डिसाइपल्स लाइफ अलेगिन समझ रहा हूँ कि कैसे ये भी आंधी अचानक से आई होगी चेलों के जीवन में जैसे same, मेरे जीवन में आई थी इन द सेम वे दिस स्टॉर्म केम इन माय लाइफ ऑल ऑफ सडन इमीडिएटली और उसी तरह से मेरे जीवन में भी अचानक से यह कोलेस्ट्रॉल का तूफान या आंधी आ गया था आई वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड आई हैव अ स्पाइन इश्यूज विद पेनिंग

What you fear the most may actually bring you closer to Jesus. Remember this. Like disciple. What they feared the most actually brought them closer to Jesus. That raging sea and the storm. was nothing for Jesus. और वह जो गरजाता हुआ समुद्र था और वो आंधी थी वो यीशु मसीह के लिए कुछ भी नहीं था। I remember when I really feared. और जब मेरे अंदर भी डर आया था मुझे याद है। I remember I couldn't even walk one step. मुझे याद है कि टू मंथल एक कदम भी नहीं बढ़ा पाता था और दो महीने ही था नहीं सकता था और सब कुछ धुंधला था मेरे आगे और जब भी उठता तो बस चकराता था, था सब कुछ धुंधला ही हो जाता था I don't know what is going to happen next. और आगे क्या होगा मुझे नहीं पता था। Two month. Two और दो महीने मेरे साथ ऐसे ही बीते थे। I didn't दो go में to में में work. काम पर नहीं गया। I don't know what's going to और मुझे पता नहीं आगे क्या होगा इट्स जैसे पता नहीं क्या होने वाला है द सेम storm हिट इन my लाइफ और ऐसी आंधी मेरे जीवन में आ गई एंड गॉड मेड मी टू गो थ्रू दिस एक्सपीरियंस और ऐसा अनुभव मुझे पता है परमेश्वर ने ही मेरे जीवन में डाला था इन ऑर्डर टू शेप मी ताकि मुझे आकार मिल सके इन ऑर्डर टू गाइड मी ताकि मुझे मार्गदर्शन मिल सके इन ऑर्डर टू लीड मी

और कुछ महान हुआ था मेरे ही द्वारा नाउ आई एम गोइंग थ्रू और देखो अब मैं ही वह स्थिति में हूँ परमेश्वर स्ट्रगलिंग संघर्ष कर रहा हूँ बट आई न्यू माई गॉड इज गॉड हु लेकिन मैं जानता हूँ मेरा परमेश्वर है जो बात जरूर करेगा ही स्पोक टू मी और उसने मुझसे बात की भी

अजीब सी बात है ये ऐसा सोचा उन्होंने चिल्ला huh? रहे भूत 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 आया है, भूत आया है, है। है लेकिन क्यों सोचा होगा उन्होंने कि वो? डर in में जीवन बिता रहे थे द सेम थिंग आई वॉज गोइंग थ्रू और वैसी स्थिति मेरी भी हुआ करती थी I was गोइंग थ्रू फियर

और अगर जो चेले थे विश्वास में मजबूत होते तो वो समझ लेते कि वो यीशु मसीह है ना कि वो भूत है We all go through this such situation. और ऐसी स्थितियों से हम सब गुजरते हैं. So that Jesus can help us to overcome from our fear. ताकि यीशु हमें मदद करे कि अपने डर से हम बाहर निकल जाए. And make our faith strong. और हमारे विश्वास को हम मजबूत बना दे. The one who just work The the great miracle before their eyes on ग्रेट but since they couldn't see him, they didn't believe him. और वही था जिन्होंने अब उनकी आंखों के सामने पहाड़ पर चमत्कार किया और उन्हें वो देख नहीं पा रहे थे जब उनके आंखों में आंखों के सामने वो थे और उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया happens. और ऐसा होता है

और जब भी हमारे जीवन में वो कुछ अच्छा करता है वी आर सो एक्साइटेड तो इतने खुश हो जाते हैं हम वी आर टॉप ऑफ द वर्ल्ड और दुनिया के ऊपर जैसे हो जाते हैं एंड वी वांट टू टेस्टिफाई अबाउट जीसस और यीशु के बारे में हम गवाही देना चाहते हैं बट एज़ दे पास लेकिन जैसे दिन बीतते हैं द इयर्स गोस और जैसे साल आगे बढ़ते हैं द एयर गोस आउट ऑफ बलून सो उस फुगे से हवा निकल जाती है दैट एक्साइटमेंट दैट फेथ दैट वर्ड वी स्पीक अबाउट जीजस ऑल गॉन फुस और वो उत्साह वो विश्वास और प्रभु के बारे में जो हम बड़ी बातें बताते थे अब फुस हो जाती है

उसे वो जरूर पूरा करेगा हमें छोड़ेगा नहीं दे नीड टू लर्न दैट फेथ इज बिलीविंग इन समथिंग यू कांट और उन्हें वह सीखना था कि विश्वास करना है तो विश्वास होता है कि आप भरोसा करें उस चीज पर जिस पर आप नहीं कर सकते हो Hebrews chapter 11 verse 1 it says now faith is confidence in what we hope for and assurance अबाउट वॉट वी डू नॉट सी और इब्राहियो की किताब करते हैं उसके लिए निश्चित होना और विश्वास का अर्थ है कि हम चाहे किसी वस्तु को देख नहीं रहे हो किंतु उसके होने के विषय में निश्चित हो जाए माई फोर्थ पॉइंट मेरा चौथा मुद्दा योर फेथ विल बी स्ट्रॉग when you focus on jesus आपका विश्वास दृढ़ हो जाएगा मजबूत हो जाएगा जब आप यीशु पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे on that boat that night was the loud but lovable peter और उस रात नाव पर वो बढ़े मुंह वाला परंतु प्रेमी पतरस मौजूद था what must have the others thought of him ज ए बिज्ञान स्टेप आउट तो दूसरे चेले उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे जब उसने कदम नीचे रखा ना उसे आपने सोचा इसके बारे में उसके समय में उसने कुछ अजीब सी चीजें की थी this is just too much. लेकिन आप सोच रहे हैं कुछ ज्यादा ही हो गया पत्र जो कर रहा है as he confidently jump out his feet. लेकिन अचानक से जब वो उसके कदम जब वह बाहर गिरता है कदम बाहर रखता है तो पानी मजबूत सा लगता है पत्थर जैसा हो जाता है कैन यू इमेजिन हाउ फन दैट वुड बी क्या आप कल्पना कर सकते है कितना मजा आया होगा उस टाइम पर इट्स इजी टू क्रिटिसाइज हिम ऑफ टेक ऑफ टेकिंग हिज आईज ऑफ़ द लॉर्ड एंड और आसान होगा कि उसकी निंदा करे कि परमेश्वर से उसने नजर हटाई और वह डूबने लगा बट एटलीस्ट पीटर गॉट आउट ऑफ द बोट लेकिन कम से कम पतरस ने हिम्मत तो की कि नाव के बाहर उसने कदम रखा टुडे एज अ बिलीवर वी नीड टू लर्न फ्रॉम पीटर और आज विश्वासी होकर हमें पतरस से सीखने की जरूरत है एटलीस्ट ही टूक इनिशिएटिव टू स्टेप

even when i go through my situation i really struggled. and everyone go through that. so i can understand peter. Hmm? Uh, verse 28. lord, if it is you, peter replied, tell me to come to you on the water. verse 29. come, he said. then peter got down. out of the boat walk on the water. and came toward Jesus. पतरस ने उत्तर दिया हे hey, प्रभु यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा आ तब पतरस नाव से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। Have you ever thought why did Jesus invite Peter to come out to him? क्या आपने कभी सोचा कि क्यों यीशु ने यह आमंत्रण दिया पतरस को कि वो चलकर उसके पास आए एंड None of the others disciples और दूसरे चेलों को ऐसा नहीं कहा केवल पतरस को क्यों कहा यू नो व्हाई आप जानते हैं क्यों बिकॉज़ पीटर आस्क्ड इसलिए क्योंकि पतरस ने पूछा यू रिमेंबर फ्रेंको हैज ब्रॉट ब्रॉट वन वर्ड बिग आस्क और आपको याद है फ्रैंको ने ये वचन लेकर आए थे कि बड़ी मांग मांगो बड़ा uh, मांगो परमेश्वर से बिग गॉड क्योंकि परमेश्वर बड़ा है एंड योर पीटर इज डूइंग दैट और देखो पतरस वही किया उसने वहां पर दैर इज स्ट्रोंग आंधी है वहां पर इट्स रेनिंग और बारिश भी हो रही है हैवी विंड हवा चल रही है बड़ी तेजी से

और पतरस एक ही ऐसा चेला था वहां पर जिसने पूछा ये क्या मैं तुम्हारे पास आऊ नोइंग नो सरप्राइज ही वॉन्टेड टू वॉक आउट टू जीजस और पतरस को जानते हुए ये आश्चर्यचकित होने की बात नहीं है कि वो यीशु के पास चलकर आना चाहता था आई यू गाइज आर रेडी क्या आप भी तैयार हो टू वॉक आउट ऑफ द बोट एंड स्टेपर के उस नाव से बाहर कदम रखकर आप पानी पर चलने के लिए तैयार हो it, it, मुझे पता है है मुश्किल और नामुमकिन के बराबर है वो मुझे मैं जानता हूँ बड़ा गॉड फेथफुल लेकिन हमारा परमेश्वर उस व्यक्ति से प्रेम करता है जो विश्वास योग्य होता है दिसाइपल मे है out to Jesus, but none of them would have. Dare to ask. और दूसरे भी चेले शायद चलकर यीशु के पास आना चाहते थे लेकिन किसी ने भी वो हिम्मत नहीं की वो साहस नहीं की कि यीशु को वो पूछे पीटर आस्क टू कम टू जीसस। लेकिन पतरस ने पूछा यीशु मसीह से वेटेड फॉर जीसस टू तो कॉल हिम एंड देन ओबेड और वह रुका कि यीशु मसीह उसे आने के लिए कहे और फिर आज्ञा मानते हुए पतरस ने वो किया भी Do you think you are more like Peter, ready to ask God? क्या आपको लगता है आप ज़्यादा पतरस की तरह है जो परमेश्वर से पूछने के लिए मांगने के लिए तैयार हैं? To use you. ताकि वो आपका इस्तेमाल करें. Or are you more like other disciple who sat in the boat watching to see

डोर विल बी ओपन टू यू मतीय वचन सात में लिखा है मांगो और तुम्हें दिया जाएगा ढूंढोगे तुम पाओगे और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए दरवाजा खोला जाएगा पूछा उसने मांगा एंड सेम थिंग इवन इन माई लाइफ आई गॉड और वैसे ही मैंने भी पूछा था प्रभु से

उस समय मैं उठ नहीं सकता बिस्तर पर लेटा और एक कदम भी आगे नहीं ले सकता Strangling हूं और don't understand, don't understand और जीवन से संघर्ष कर रहा हूं और मुझे नहीं पता क्या हो रहा है मेरे साथ I also asked one day. और मैंने भी उस समय यीशु से मांगा था ब्रदर एंड सिस्टर टूडे आईज यू भाई और बहनों मैं आपको आज प्रोत्साहित करना चाहता हूँ मांगो अज बिग गॉड हमारा परमेश्वर बड़ा परमेश्वर है who has created heaven and earth, और जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया उसकी प्रतिमा में बनाया है कितना वो आपको देगा अगर आप मांगोगे अगर आप उससे पूछोगे तो बट ऑल वी नीडेड लेकिन हमें एक ही चीज की जरूरत है द फेथ लाइक मस्टर्ड सीड और है विश्वास चाहे वो राय के दाने के बराबर ही क्यों ना हो वी डोंट आस्क बिग फेथ हम बड़ा बड़ा विश्वास नहीं मांग रहे Because हैं बिकॉज़ ही नोस आवर वीकनेसेस क्योंकि हमारी कमजोरी वो जानता ही है ही सफेद सो फेथ लाइक अ मस्टर्ड सीड लेकिन वो कहता है राई के दाने के बराबर अगर तुम में विश्वास हो दैट ही टेक स्मॉल फेथ ताकि हमारे छोटे विश्वास को ले लेगा एंड विल टर्न इन टू बिग फेथ और बड़े विश्वास को अपनी महिमा के लिए बना देगा बिफोर ही स्टेप आउट और पहले said, के वो पैर बाहर रखता पतरस ने कहा इफ इट इज यू टेल मी टू कम टू यू ऑन द वॉटर उसे कहा hey, प्रभु यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे पीटर वॉन्टेड करना चाहता था कि कि विश्वास करता था कि येशु परमेश्वर का पुत्र है बट पीटर वॉज लुकिंग फॉर द प्रूफ लेकिन वह एक सबूत ढूंढ रहा था आर रनिंग आउट ऑफ टाइम और समय हमारे पास कम है

और परमेश्वर से वो बड़ी मांग मांगे बड़ी बात की अपेक्षा करें uh, और इस इसे प्रचार को मैं आगे चलकर आगे बढ़ाऊंगा अगले रविवार को बिकॉज इट्स क्योंकि समय हमारे पास कम है लेकिन बांटने के लिए बहुत कुछ है okay. so

और आराधना के समय में भी नो वे मेक अ मिरेकल वर्कर द गॉड हु गिव्स अस विक्ट्री और मार्ग को तैयार करने वाला चमत्कार करने वाला परमेश्वर जो हमें जीत देता है एंड टू सनडेज बैक आई थिंक आई स्प्रीच अबाउट यू नो जोशुआ वन ह्यूमन बीइंग और दो रविवार पहले मैंने के बारे में कहा था एक मनुष्य जिसने कहा सूरज और चंद्रमा थम heard गॉड हर्ड इस परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ क्या आप परमेश्वर the पूछे It says you have not because you ऐसा वचन है क्यूँकी हम पूछते नहीं है उस महान पोर स्ट्रगलिंग विद्स इन योर लाइफ बिकॉज यू नोट आस्किंग गॉड टू गिव यू विक्ट्री और आप जीवन में संघर्ष करते होंगे क्योंकि हम पूछते नहीं परमेश्वर से कि हमें जीत दो बिकॉज दिस इज दर्ड ऑफ गॉड क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। यू हैव नॉट बिकॉज यू Ask not. आपके पास नहीं है क्योंकि आपने मांगा नहीं. Let's learn to ask Him. आइए हम सीख लें कि हम परमेश्वर से मांगें. As Sunny said, make a big ask. और Sunny ने कहा कि बड़ी मांग मांगो. बड़ी I personally, I personally in these recent days, I'm asking God for big things. इन दिनों में मैं व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर से बड़ी बड़ी चीजें मांग रहा हूं। walk on water. मैं पानी पर चलना चाहता हूँ इट इज नॉट जीसस हु was ऑन who इट a जीसस being. वॉक ऑन वॉटर और एक बात सनी ने जो कहा की वो ये शु परमेश्वर नहीं है जो पानी पर चला लेकिन ये शु मनुष्य में मनुष्य जो पानी पर चलाई पीट ए गुड वॉक अगेन सेम वे जीसस वॉक पतरस भी उसी तरह से चल सका जिस तरह से यीशु मसीह चला If Jesus, God, who walked on water, we would गॉड हु एबल टू वॉक ऑन water. अगर यीशु परमेश्वर पानी पर चलता तो मनुष्य पतरस पानी पर नहीं Jesus, चल पाता। the human, the God who became man, who walked ह्यूमन द गॉड हु

और अगर आप वैसे ही है जैसे आप थे तो जिस तरह से आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उसमें कुछ तो गड़बड़ी है आइए उस परमेश्वर पर भरोसा करें जो महान चीजें कर सकता है। there विल बी storms। और जैसे सनी ने कहा कि होगी और आपको मैं भी कहना चाहता हूँ आने वाले दिनों में आंधिया हो दे स्ट्रॉन्ग और कई ऐसी आंधिया आई नाउ You're going through storms. But he wants you to walk. And in the midst of the storm, you worship Jesus. Amen. Amen. And the Bible says, um, I don't know what uh, Sunny is going to preach next week. But one of the things, same thing. One of the things he says, the moment Jesus came into the boat, they reached the other side. और शास्त्र कहता है कि जैसे यीशु मसीह नाव पर आए वो उस पार पहुंच गए इट took so many hours to come to the middle of the, uh, the sea और समुद्र के बीच आने के लिए इतने घंटे लग गए थे बट when Jesus came they just reached so fast लेकिन जैसे yeah. यीशु मसीह नाव में आए इतना जल्दी पहुंच गए पार I want कर to say लिया उन्होंने सो यू ब्रिंग जीसस इनटू एवरी सिचुएशन यू ओवरकम सिचुएशन लाइक दिस और this. जैसे आप

Yeah, I, Pata hai, ek yeah, I asked your hai, name, somebody's Pooja name, hai. yeah. And God wants you to step out. Am I right, Puja? Your name is Puja. Sorry, someone, yeah, yeah, you Okay, Okay, God wants you to... today He has brought to you to speak to you. Aur Prabhu ah? And the other one, the other Rupa. person? Rupa, sorry, not Puja. Rupa. Rupa. I want to say Rupa. God wants... You, God has brought you here because He wants you to step out. Aur रूपा परमेश्वर ने आपको यहाँ पर इसलिए लाया है क्योंकि वो चाहता है आप कदम आगे रखे। Amen. He wants you you the ground beneath you strong so that you can walk. इसलिए परमेश्वर आपको आगे बढ़ने के लिए कह रहा है क्योंकि परमेश्वर आपके लिए उस भूमि को मजबूत बनाने वाला है जहाँ पर आप कदम रखने वाली है Amen. Amen. Yeah, Austin, okay lots of question he is the answer amen. 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 amen not your mom not your dad not anything around jesus is the answer okay come let's just lift our hands

Saved Lord God. Lord, we will ask you for our Lord neighbors to be saved, Lord God. Lord, we ask you for our businesses to be blessed, Lord God. Lord, we will ask for the jobs to be blessed and Lord, increments to come, Lord God. Lord, we will pray, Lord, for our children to be successful, Lord God. And we will ask for our church to be blessed, Lord God. Lord, we thank you, thank you for reminding us, Lord God, that you are the God who wants us to ask, a God. And you are the God who puts us in storms so that our faith will be built up, Lord Father, God. Father, help us, Lord God. We give ourselves to you. We give you mm -hmm. thanks and praise for this morning. Lord, help us to walk in faith, Lord God. And inherit the promises that you have for each one of us. Lord, bless uh, Rupa and Nisha, Lord God. Bless Austin. Bless all of all those who have come here for the first time. Lord, करना. bless them, we pray, Lord. Bless them. In Jesus' name. Amen. Amen.